दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि यहाँ पर इंडिया में आपको किस तरह से क्रिप्टो में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में किसी ना किसी से सुना तो ज़रूर है, लेकिन आप सोचते होंगे कि यहाँ पर इस मार्केट में हमें एंट्री कैसे लेनी है, किस एक्सचेंज के थ्रू आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, अगर आप INR में यहाँ पर डील करना चाहते हैं तो किस एक्सचेंज को इंडिया में आप यूज़ करके सेफली आप ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में है, क्रिप्टो जर्नी को लेकर के यहां पर काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये हाईली रिस्क यहां पर वोलेटाइल मार्केट यहां पर रहती है, यहां पर अप एंड डाउन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। किसी से आपने तो सुना होगा जरूर कि यहां पर क्रिप्टो में उसने अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन यहां पर ऐसा भी होता है कि यहां पर उसने पैसा गंवा भी दिया हो। तो यहां पर दोनों साइड आपको लेकर के चलनी है, तभी आप यहां पर इस जर्नी को इजीली समझ जाएंगे। दोस्तों, यहां पर क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, अप एंड डाउन मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहां पर आपके पास में दो तरीके हैं दोस्तों। ये जो मार्केट है क्रिप्टो की मार्केट, सेम एज इट इज जैसे स्टॉक मार्केट चलती है, फॉरेक्स मार्केट चलती है, ट्रेडिंग तो उसी पैटर्न पर होती है, लेकिन अभी फिलहाल इतने रूल रेगुलेशंस नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे इसकी अडॉप्शन बढ़ती चली जा रही है। अब यहां पर दोस्तों आपके पास में दो तरीके हैं। अब एक तो आप यहां पर चले जाएं इंटरनेशनल एक्सचेंज की तरफ, जिसमें आपका नाम आता है बाइनेंस। आपने सुना होगा किसी को कहने में आता है कि बिनांस कोई बाइनेंस, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन का सिर्फ अंतर है, नाम सब एक ही है। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो आप समझिएगा। अब बाइनेंस यूज करते होंगे या फिर बायबिट के बारे में आपने सुना होगा, या तमाम और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं कॉइनबेस वगैरह जिनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इंडियन में वहां पर आप एज ए INR वहां पर डायरेक्ट डील नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों वहीं पर बात आती है कि यहां पर इंडियन यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU की गाइडलाइंस के अनुसार इंडिया में बहुत एक्सचेंज ऐसे हैं जो कि यहां पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहां पर चल रहे हैं, और वो सेफ साइड भी है। दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट मात्र यहां पर रखा गया है 1000 लाइक का। क्रिप्टो में अगर आप बिगिनर हैं, 2024 के बुल मार्केट में आप यहां पर एंट्री करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप जरूर कंप्लीट देखिएगा। टेलीग्राम पर मैं आपको डेली बताता रहता हूं किस तरह से क्या चीजें चल रही हैं, तो भाई टेलीग्राम को आप यहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली कभी कभार ऐसा होता है कि यहां पर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंने आपको बता दिया, वो इजीली आप कंप्लीट करा ही देंगे। अब दोस्तों आपको यहां पर पता होगा कि यहां पर दिसंबर 2023 और जनवरी में दोस्तों कुछ न्यूज़ और आर्टिकल यहां पर सामने आए थे, जिसमें यहां पर जो इंडियन गवर्नमेंट है और वहां पर उसने कहा कि भाई जो बाइनेंस जो एक्सचेंज है और तमाम जो नौ एक्सचेंजेस है जिनमें ऑलरेडी मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है, वो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार फिलहाल के समय पर ये काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो नौ एक्सचेंजेस थे, जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस थे, वो यहां पर काम करना स्टार्ट कर दें, लेकिन फिलहाल के समय पर उन्होंने यहां पर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उन्हें यहां पर कंप्लीट नहीं किया है। इसी वजह से वो प्ले स्टोर और तमाम एक्सचेंजेस हैं वो प्ले स्टोर से और iOS स्टोर से हटा दिए गए, उनके लिंक वगैरह आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और दोस्तों आप फिलहाल के समय पर उन्हें यूज भी नहीं करना। अब फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार जो कॉइन DCX एक्सचेंज में यहां पर आप सभी के लिए प्रेफर करूंगा, और अब मैं आपको लेकर के चलता हूं उस एप्लीकेशन की तरफ, किस तरह से इंटरफेस है और दोस्तों कैसे आप यहां पर इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज किए बिना अपने INR से यहां पर क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अपनी जो एक्सचेंज की एप्लीकेशन है उसके ऊपर लेकर के आया हूं, जिसमें आपको सारे के सारे जो मोस्टली आपको काम आने वाली चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने फिलहाल के समय पर इस एक्सचेंज को इतना ज्यादा यूज नहीं किया है। हालांकि काफी अच्छा एक्सचेंज है, बहुत लोगों का वेल नोन एक्सचेंज है और तमाम इंडियन जो ट्रेडर्स हैं इसे आप आज के समय पर यूज भी कर रहे हैं। अच्छा एक्सचेंज है, मैंने यहां पर इसका जो सारी चीजें उसे यहां पर चेकआउट कर लिया है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब दोस्तों यहां पर आपको सारे सबसे पहले तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड इसमें डालना है, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड इसमें डालना है, OTP वगैरह आपका जो पैन कार्ड और आधार कार्ड पे लगा होगा, आधार कार्ड पे वो OTP मांगेगा आपसे, फिर आपका OTP आने के बाद में आपका इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बैंक अकाउंट को आपको इसमें ऐड कर लेना है, अदरवाइज आप फिर इसमें पैसा अपना ऐड नहीं कर पाएंगे। जिस नाम से आपने ये अकाउंट बनाया है उसी नाम से आपको अपना बैंक अकाउंट भी इसमें ऐड करना है, अलग नहीं रखना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सेम पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जो आपने नाम है वो यहां पर आपको सेम ही रखना है। उसके बाद में सिंपल दोस्तों आप सभी के सामने ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहां पर है होम, उसके बाद में यहां पर है मार्केट, उसके बाद में यहां है ऑर्डर, फिर है दोस्तों यहां पर फ्यूचर्स, और फिर है दोस्तों यहां पर फंड्स। ये ऑप्शंस ऑलरेडी आप सभी के सामने दिखाई देंगे। अब दोस्तों उसके बाद में यहां पर गेनर्स का ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा। देखो ये देखो गेनर्स का ऑप्शन है,
इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि पिछले 24 घंटे में किस किस क्रिप्टो करेंसी ने यहां पर गेन लिया है, यानी कि अच्छा गेन यहां पर लिया है, जैसे कि LPT, WLD यानी वर्ल्ड कॉइन, XDB, फ्लोकी, AST, ये यहां पर कुछ और भी मार्केट आप देखना चाहते हैं तो सी मार्केट पर क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हैं। उसके जस्ट बराबर में दोस्तों ये लूजर का ऑप्शन है, यानी कि पिछले 24 घंटे में किस क्रिप्टो कॉइन ने यहां पर लूज किया है, यानी कि अपना यहां पर लो लगाया है, यानी कि मार्केट में नेगेटिव हुआ है वो। तो दोस्तों यहां पर आपको ये संतोष, DAI, CVC, MTL, प्रोम ये देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये हाईली वोलेटाइल मार्केट है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, पहले ही आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आप इंडियन यूजर हैं और दोस्तों अगर आपने यहां पर क्रिप्टो के बारे में सुना है, क्रिप्टो की जर्नी में आप यहां पर एंट्री करना चाहते हैं एज ए बिगिनर, तो काफी अच्छा एक्सचेंज है CoinDCX, उसे आप यहां पर यूज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, जिसे आप इजीली यूज आउट कर लीजिएगा। अब दोस्तों रिस्क जोन का यहां पर आपको फिर ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा। रिस्क जोन पर दोस्तों यहां पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये अभी फिलहाल के समय पर काफी ऊंचे पहुंच चुके हैं। कभी आप ये सोचे कि भाई फ्लोकी तो आपको काफी अच्छी रैली दिखा रहा है, इसमें हम अपनी एंट्री ले लें, या फिर डाटा या WIF, डेंट, तो भाई ये रिस्क जोन में ये एक्सचेंज यहां पर आपको प्रेफर कर रहा है। सबकी एक्सचेंजेस के अलग अलग क्राइटेरिया कैटेगरीज होती हैं, वो यहां पर आपको जरूर देख लेनी चाहिए। थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं कि डेली हमारे चैनल पर कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती है जो कि यूजफुल रहती है क्रिप्टो ट्रेडर, क्रिप्टो यूजर के लिए। अब दोस्तों फंड सबसे पहले आपके पास में यहां पर आपको अपना INR यहां पर डिपॉजिट करना है, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल अपना जो बैंक अकाउंट है इससे लिंक नहीं किया है, और यहां पर जब आप इसे लिंक कर लेंगे तो ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए जो फंड का ऑप्शन है, यहां पर आपको फंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहां पर आपको फंड पर प्लस पर क्लिक करना है। तो ये अब आपसे पूछेगा INR/क्रिप्टो, ये INR का ऑप्शन है यहां पर, ये INR, और यहाँ पर है दोस्तों ये क्रिप्टो का ऑप्शन। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर डिपॉजिट INR का और विड्रॉल INR का नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये रहा विड्रॉल INR और इधर ये रहा आपका डिपॉजिट INR। तो मान लीजिए हमें डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट INR पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये आपसे पूछेगा आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर जब आप अपनी KYC यहाँ पर करेंगे, यानी कि आप अपना आधार कार्ड के बाद में जब आप एंट्री करेंगे तो वो आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा, वो आपको इसमें डाल देना है, क्योंकि ईजिली फिर आप उसमें अपना जो INR है उसे आप यहाँ पर डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और विद इन सेकेंड्स दोस्तों आपका INR इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डालने के बाद में जब आप यहाँ पर ट्रेड के लिए जाएंगे तो बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह, UPI वगैरह भी आ सकती है, तो वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद में आपको अपना जो फंड है उसे ऐड कर लेना है, यानी जितने भी आप यहां पर INR डिपॉजिट करना चाहते हैं CoinDCX में, तो वो आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद में जो फंड है ये आपका फिर मेन स्क्रीन पर, जैसे अभी फिलहाल मेरे यहां पर जीरो दिख रहा है ना, इसी तरह से मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का INR यहां पर डिपॉजिट कर लिया है, तो वो यहां पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में दोस्तों आप यहां पर मार्केट पर जाइएगा, ये जो मार्केट का ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप मार्केट में जाइएगा। मार्केट पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये स्पॉट का ऑप्शन है, उसके बराबर में ही फ्यूचर्स का ऑप्शन है। तो फ्यूचर में आपको नहीं जाना है, क्योंकि फ्यूचर की मार्केट जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं उन्हीं के लिए होती है, अदरवाइज आप यहां पर जाकर के लेवरेज लेकर के आप अपना नुकसान करा बैठेंगे और कुछ नहीं होगा। तो फ्यूचर से दोस्तों आपको बिल्कुल यहां पर दूर रहना, और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि फ्यूचर जैसी मार्केट में आपको यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद में दोस्तों ये ऑल का ऑप्शन है, ये ऑल का ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में INR, जब आप ऑल पर जाएंगे तो आपको BTC और USDT यहां पर आपको $68,172 का ऑप्शन दिख रहा है। कितना वॉल्यूम है, 4.72 वॉल्यूम, ये यहां पर आपको सारा का सारा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, USDT में। उसके बाद में XDB, ये XDB का ऑप्शन है। उसके बाद में इथेरियम का ऑप्शन है, इथेरियम कितना चल रहा है, पेपे, VRA, शिबा, ये सारे के सारे ऑप्शन है। उसके बाद में अगर आप INR में जाना चाहते हैं, आपको USDT समझ में नहीं आता है, तो आप INR सेक्शन में जा सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा एक USDT की वैल्यू 86 रुपी है, एक शिबा इनू की वैल्यू 0.003003 के हिसाब से यहाँ पर दिखाई हुई है, BTC लगभग 59,89,999, यानी कि लगभग 59,89,000 रुपए का एक बिटकॉइन यहां पर चल रहा है, ठीक है। XDB की ये है, इथेरियम की ये है, बोंग, डॉज, गाला, ये सब यहां पर आपको लिस्ट फिर दिख जाएगी, जिसमें आप ट्रेड करना चाहें, जिसको आप खरीदना चाहें उसे आप खरीद करके यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में ये ऑर्डर्स का ऑप्शन है यहां पर, क्योंकि हमने ऑर्डर कोई लगाया नहीं है तो ना ही हमने कोई मार्जिन वगैरह, या फिर फ्यूचर में आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में आपको यहां पर हिस्ट्री दिख जाएगी, पेंडिंग में पेंडिंग के ऑप्शन जो आपके वो दिखाई देंगे, ठीक है। फंड्स में यहां पर आप जब जाएंगे, जब आप अपना फंड ऐड कर लेंगे, या फिर आपने बिटकॉइन खरीद लिया 10,000 रुपए का या 20,000 रुपए का, या फिर आपने इथेरियम खरीद लिया, तो वो यहां पर आपको फंड्स में जाकर के दिखाई देगा, ठीक है। होम पर आप जाएंगे तो होम पर जाने के बाद में जब आप ऊपर की तरफ यहां पर देखेंगे,
ये जो आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जाने के बाद आप अपना अकाउंट सेटिंग, सिक्योरिटी, ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि इजीली इजी टू यूज़ है। मोस्टली जो मोबाइल यूज़र हैं उन्हें इनके बारे में ज़रूर पता होगा और इजीली आप इसे फिर समझ भी जाएंगे। सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना जो वॉलेट है कॉइन DCX का, इसकी सिक्योरिटी, 2FA वगैरह जो भी आप लगाना चाहें वो ऑप्शन सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। KYC से रिलेटेड जो अकाउंट सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये सारा सारा नॉर्मल चीजें हैं जो कि आपको यहां पर देखनी है। स्टार्टिंग में दोस्तों यहां पर आपको दो ऑप्शन और दिखाई देंगे। एक तो है यहां पर प्रो वॉलेट, ये मैंने प्रो पर अभी फिलहाल स्विच कर लिया है। स्टार्टिंग में आपका जो बेस वॉलेट है वो यहां पर आपको व्हाइट कलर में दिखाई देगा। वहां पर स्विच टू लाइट यानी कि लाइट वॉलेट है कॉइन DCX का, जिसमें मोस्टली और एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती हैं, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस नहीं होती हैं, तो आप लाइट से अपना प्रो पे स्विच कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को वहां पर फिर मिलेगा। तो ये ऑप्शन से वीडियो आपको कैसा लगा? बिगिनर के लिए काफी अच्छा एक्सचेंज है कॉइन DCX। अपना वेरिफिकेशन करें, अपना अकाउंट ऐड करें, फंड ऐड करें और फिर उसके बाद में INR के थ्रू ही डायरेक्ट वहां पर आप अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, 1000 लाइक का मात्र टारगेट है, और अपने जितने भी बिगिनर फ्रेंड्स हैं, बिगिनर रिलेटिव्स हैं, उसे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।